हाय गाइस, वेलकम टू जेके मीडिया लाइव। पहले तो हमारी टीम की तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और करवा चौथ का त्यौहार जब आता है तो लड़कियों में काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन लड़कों का क्या, हमारे जैसे लड़कों का क्या जिनके लिए कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है कि अपने आप को ग्रूम कर सके। क्योंकि लड़कियों को हमने सुबह से ही देखा, पार्लर्स के बाद लंबी लंबी लाइनें होती हैं, शॉपिंग एक हफ्ते पहले बल्कि एक महीना पहले से शुरू हो जाती है, और जो रिसेंटली वेडिड होते हैं उनमें एक नया एक्साइटमेंट रहता है इस फेस्टिवल को लेकर। तो मैं डूड प्रजाति, जो मेरे साथ डूड प्रजाति रहेगी, मैं उनसे जानूंगा कि क्या लड़कों के लिए भी कि ऐसा फेस्टिवल होना चाहिए, क्योंकि अक्सर यह रहता है कि लड़के डिस्क्रिमिनेटेड रहते हैं, और मैं जानूंगा कि ऐसा कोई फेस्टिवल होना चाहिए और उनमें कितना एक्साइटमेंट। तो डूड प्रजाति की बात करें तो मेरे साथ एक डूड है यहाँ पे, आपका नाम राहुल। राहुल, करवा चौथ का त्यौहार है और लड़कियों में काफ़ी एक्साइटमेंट है, अगर हम देखें तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं पार्लर्स के बाहर और मेहंदी के टेंट के नीचे लड़कियों में इतना एक्साइटमेंट है कि मतलब रश इतना ज़्यादा है। आपको नहीं लगता कि हमारे साथ भाई कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है, और हमारा भी एक ऐसा फेस्टिवल होना चाहिए था जिसमें हम लोग भी अपने आप को तैयार करें, पार्लर्स में लंबी लंबी लाइनें लगवाएं, बिल खर्चवाएं अपने मेट्स के, और मतलब टैटूज बनवाएं मेहंदी की जगह। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस त्यौहार के लिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि बॉयज़ के लिए तो ऐसा कोई त्यौहार होता ही नहीं है, हमें तो अपने बर्थडे पे भी खुद केक काट के मुंह पे लगा के अपना खरीद कर भी खुद ही लाना पड़ता है, तो हमें तो खुद ही सेलिब्रेशन करनी पड़ती है। तो लड़कियों के लिए तो होता है, उनके लिए काफ़ी सारी मतलब चूड़ियाँ एंड ऑल, मेहंदी लगवाओ, सब करो, तो हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं होता, तो होना चाहिए वैसे। अच्छा, चूड़ियों की बात तो हो गई और बर्थडे केक की बात भी होगी, अगर आपको ऐसा मौका दिया जाए और आपका फेस्टिवल हो और आपको फास्टिंग करने के लिए बोला जाए तो आप अपनी बीवी के लिए फास्टिंग करेंगे? देखो अभी तो इतना सोच क्यों रहे हैं आप? नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो अभी शादीशुदी वाला तो कुछ माइंड में आ रहा है, सीन दूर दूर तक कहीं नहीं। नहीं, लेकिन मैं ऐसे रैंडमली पूछ रहा हूँ कि अगर आपको एक मौका दिया जाए, आपका फेस्टिवल हो तो आप फास्ट बिल्कुल रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। पक्का? पक्का सर। अच्छा परम है मेरे साथ, तो परम यार, करवा चौथ आने वाली, करवा चौथ का त्यौहार आने वाला, लड़कियों में काफ़ी एक्साइटमेंट है, आपका यार क्या ख्याल है इस त्यौहार को लेकर? सबसे पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहूँगा कि आपको करवा चौथ की बधाई हो, और वैसे भी फेस्टिव सीजन है, एंजॉय कीजिए। करवा चौथ के बारे में ये ख्याल है कि जितना मैंने सुना है, ये मेरी लाइन से नहीं है, मैं कि वाइफ्स रखती हैं अपने हस्बैंड के लिए, लंबी उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हैं ये रख के। तो मैं सबको कहूँगा कि आप फास्टिंग भी कीजिए, उनकी लंबी दुआ भी कीजिए, बट कहीं ना कहीं उनको हेल्थ से रिलेटेड उनकी सारी जो भी परेशानियां हैं, उनको हेल्थ अगर उनका लाइफस्टाइल या हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तभी उनकी लंबी उम्र भी हो सकती है। तो मर्दों की अगर बात की जाए, उनको फास्ट रखना पड़े तो उनके लिए कितना मुश्किल रहेगा? पर मुश्किल नहीं रहेगा बिल्कुल भी, क्योंकि अगर जो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसको भूखा प्यासा नहीं देख पाएगा कभी भी। तो शायद मैंने ये सुना है या कहीं ना कहीं देखा भी है, लड़के भी हस्बैंड भी रखते हैं अपनी वाइफ के लिए, जब वो पूरा दिन भूखी है उसके लिए तो वो भी रख सकते हैं उनके लिए, और मैंने सुना भी है ऐसा। तो गाइस, करवा चौथ पे लड़कियों की एक्साइटमेंट तो हमने देखी और आपको भी दिखाई, और डूड प्रजाति से भी पूछा कि उनको क्या लगता है कि उनके लिए भी कोई ऐसा त्यौहार होना चाहिए। मेरे साथ साहिल है, साहिल छन्नी घूम रहे थे भाई हम, लंबी लंबी कतारें लगी हुई, लंबी लाइन है, बहुत ज्यादा क्राउड है, हाईवे टोटली जाम हो चुका है। और शॉपिंग की अगर बात करें तो शॉपिंग भी काफी करी है लड़कियों ने, दिख रहा है लड़कियों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, शॉपिंग है, तैयार होना है, सैलून, मेहंदी एंड ऑल, बहुत कुछ, बट हमारे पास कुछ नहीं ऑप्शन है। हम वैसे शॉपिंग हम भी कर सकते हैं बट इस लेवल की नहीं, ना हम इस लेवल का तैयार हो सकती हैं, और रही बात मेहंदी की, वो तो हम कभी नहीं लगाएंगे। अच्छा मेहंदी का अगर हमारा एक ऐसा फेस्टिवल हो कि हमारा भी फेस्टिवल हो, हमें तैयार होना पड़े, हमें तैयार होने का मौका मिले, हमें ग्रूम होने का मौका मिले और शॉपिंग करने का मौका, हालांकि मेरी बात करते हैं शॉपिंग तो ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर फास्टिंग की बात की जाए तो आप अपनी बीवी के लिए फास्ट रख सकते हैं? हाँ सोच सकते हैं, एक लेवल हाँ एक लेवल पे हो सकता है, ये सब हो सकता है, जितना उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर वो आपके लिए आपकी लंबी उम्र की दुआ कर रही हैं, फास्ट रख रही हैं, तो आपको भी इतना तो होगा ही प्यार उससे कि आप भी उनके लिए इतना कुछ सोच सकें, इतना उनके लिए मांग सकें, तो हाँ हो सकता है, फास्टिंग हो सकती है। और रही बात बॉयज़ के लिए, उनके पास ऑप्शन बहुत कम है, लेडीज़ के अकॉर्डिंगली बहुत कम ऑप्शन है। अपनी बात छोड़ते तो हम लोगों से ही जानते हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे कि उनको क्या लगता है कि क्या लड़कों के लिए भी क्या ऐसा फेस्टिवल होना चाहिए। ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, देखते रहिए जेके मीडिया, साइनिंग ऑफ ऑन अविशाल संग्रार, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।